हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पिंडी रिएक्शन। आज फिर एक और वीडियो आपके साथ मिलकर देखने के लिए आपके सामने मौजूद मैं लुकमान और मैं हूं आदिल। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे वो है 15 ऐसी चीजें जो भारत को मुकम्मल करे क्या। और ये हमने गूगल ट्रांसलेटर से पता किया ये क्या लिखा हुआ है। तो अगर कुछ गलती हो इसमें तो आप गूगल को पकड़ सकते हैं, हमारा कोई कसूर नहीं है। गूगल वैसे सही बताते हैं, हमें पहले भी गूगल ने काफी बातें बताई हैं। क्या क्या होता है गूगल? ये जो टाइटल्स होते हैं अक्सर गूगल से देखते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें गूगल बताता है। अगर आपको कभी कोई चीज़ ना बताओ तो आप गूगल से पूछें, गूगल आपको बता देगा। वाह, उन्हें तो पता ही गूगल ही नहीं पता। लेट्स सी जी, हमें ये नहीं पता था तो हमने गूगल से पूछ लिया। 1 2 3 गो। भारत, इंडिया। दोस्तों, हमारे देश की बात ही अलग है। इस देश की मिट्टी में जो कर्मठता है, जो अपनापन है, जो मन चैन है, वो और कहीं नहीं। हाँ, हैं कुछ कमियां जो दूर करनी बची हैं, कुछ दुख हैं जो अब भी हमारे साथ हैं। इस देश में दुनिया की हर ताकत आई, पर हमारे देश का हौसला और देशवासियों की एकता ना तोड़ पाई। आज हम आपको भारत की वह बातें बताएंगे, वह फैक्ट्स बताएंगे जो इसे दुनिया के सभी देशों से अलग बनाती है। नंबर 15, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले प्रेसिडेंट होने के साथ साथ सबसे लंबे समय तक प्रेसिडेंट बनने का रिकॉर्ड भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम ही है। इन्होंने अपनी पूरी सैलरी लेने से मना कर दिया था। वो केवल अपनी सैलरी का 50% हिस्सा ही लेते थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इतनी ज़्यादा सैलरी की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है। और अपने 12 साल के कार्यकाल के दौरान रिटायर होने से पहले वह अपनी सैलरी का केवल 25% ही लेने लगे थे। नंबर 14, 2011 में इलाहाबाद कुंभ मेला दुनिया में सबसे ज़्यादा भीड़ का गवाह बना था, और उस समय इस मेले में 7,65,000 श्रद्धालु एक ही समय पर एक जगह इकट्ठे हुए थे। और इतने बड़े नंबर्स, ये तो किसी देश की जनसंख्या से भी ज़्यादा है। नंबर 13, हीरा यानी कि डायमंड, जो कि एक बहुत ही अनमोल चीज़ मानी जाती है, पहली बार हमारे देश भारत में ही खोजा गया था। 1896 तक तो ऐसा समय था जब हीरा सिर्फ इंडिया में ही मिलता था। नंबर 12, मैंगोज। अगर आपको आम खाना पसंद है और आप इंडिया में रहते हैं तो आप बहुत लकी हैं, क्योंकि इंडिया दुनिया में सबसे ज़्यादा आम पैदा करने वाला देश है, और सबसे ज़्यादा आम खाने वाला देश भी इंडिया ही है। इंडिया का राष्ट्रीय फल भी आम ही है, और यहाँ पर आम की सैकड़ों प्रजातियाँ पाई जाती हैं। नंबर 11, सर्वे के मुताबिक अमेरिका के बाद पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इंग्लिश हमारे भारतीय लोग ही बोलते हैं, और इंडिया में कुल मिलाकर 14 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इंग्लिश बोलते हैं। नंबर 10, दोस्तों, योग को पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस भी हमारे इंडियंस ने ही किया है, और इसके साथ ही साथ मार्शल आर्ट्स भी सबसे पहले हमारे देश से ही शुरू हुए थे। नंबर 9, दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले हमारे इंडिया में ही सबसे ज़्यादा मस्जिद मौजूद हैं, और यहाँ पर तकरीबन 3 लाख से भी ज़्यादा मस्जिद मौजूद हैं। नंबर 8, समोसा। यह इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन समोसा एक इंडियन डिश नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत मिडिल ईस्ट में हुई थी, और जब यह इंडिया आया तो बेहद पॉपुलर हो गया। नंबर 7, USB यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस, जो कि आज के सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेंशन में से एक है। इसका इन्वेंशन इंडियन अमेरिकन कंप्यूटर आर्किटेक्ट अजय भट्ट ने किया था। आज दुनिया भर के कंप्यूटर गैजेट में USB का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और यह काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। नंबर 6, वेजिटेरियन देश। दुनिया में सबसे ज़्यादा वेजिटेरियन लोग इंडिया में ही रहते हैं। यहाँ पर जितने वेजिटेरियन हैं उतने किसी भी देश में नहीं हैं। लगभग 20-40% इंडियन पूरी तरीके से शाकाहारी होते हैं। इस हिसाब से भारत दुनिया का सबसे बड़ा शाकाहारी देश है। नंबर 5, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन भी हमारा देश ही करता है। नंबर 4, ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा की खोज भी हमारे भारत देश में ही हुई थी। नंबर 3, फिल्म इंडस्ट्री। दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड नहीं है, ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है। इसीलिए मुंबई को सपनों का शहर भी कहा जाता है। बॉलीवुड की मूवी आजकल दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही हैं। इन्हें चाइना, जापान जैसे देशों में भी काफ़ी पसंद किया जाता है। नंबर 2, टी सीरीज, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूट्यूब चैनल। क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल कौन सा है? वो चैनल है प्यूडीपाई। लेकिन एक और चैनल है टी सीरीज, जो कि इंडिया का यूट्यूब चैनल है। अगर आप इसकी वीडियो को 2018 में देख रहे हैं तो टी सीरीज इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है। इसके सब्सक्राइबर्स 6 करोड़ से भी ज़्यादा हैं। नंबर 1, डॉक्टर्स की फैमिली। आपने सुना होगा कि किसी फैमिली में 1, 2 या 3 लोग डॉक्टर होते हैं, पर इंडिया में दुनिया की सबसे बड़ी डॉक्टर्स की फैमिली है, ये जयपुर में है। इस फैमिली में
कुल मिलाकर 31 डॉक्टर्स हैं, जिसमें फिजिशियंस, न्यूरोलॉजिस्ट, सर्जन्स और बहुत से तरीके के डॉक्टर्स हैं। इसका मतलब ये घर अपने आप में कोई हॉस्पिटल से कम नहीं। तो दोस्तों, आशा करते हैं मज़ेदार फैक्ट्स आपको पसंद आए होंगे। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Exactly. और अगर आप इस चैनल के मज़ीद वीडियो देखना चाहें तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं पहले समझ रहा था, जो हमने पहले वीडियो देखी थी ना 35 अमेजिंग थिंग्स अबाउट इंडिया, मैं उनका सारी ओवरलैप कर रही हूँ, क्योंकि 15 है वो 35 थी। तो एक दो ओवरलैप की है, बाकी सारी तकरीबन डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें। इसमें वो जो फिल्म इंडस्ट्री की बात बताई है, मुझे नहीं पता था, ये मेरे लिए शॉकिंग पॉइंट था। और जो रिपीट हुई है बस जब वो यूएसबी की थी, यूएसबी की हुई है ये कंडीशन है, और उसके बाद वो अलजेब्रा वाली, अलजेब्रा वाली वो वाली रिपीट हुई है, बाकी सारी भी हुई है और मेरे की चीजें हैं। अच्छा, आम का मुझे ये नहीं पता था कि दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर, यानी आम पैदा करने वाला एक्सपोर्टर भी है, ये यही बनता होगा। तो बाकी दूध वाली बात लेकिन प्रोपोर्शनेट अगर देखा जाए तो आम यहाँ पे बहुत ज्यादा बनता है और सबसे ज्यादा पसंद भी यही किया जाता है। उनका मेरे ख्याल से वो बता रहे थे, आम जो है वो नेशनल वो है, फ्रूट है, पाकिस्तान में भी आम नेशनल फ्रूट है, मतलब इतने ज्यादा पसंद किया जाता है आम यहाँ, काफी कुछ कॉमन है। अगर आपको कोई पाकिस्तानी मिले और आपके पास में आम हो तो आप उससे एक बार ये जरूर पूछेगा, आम खाएगा आम वो कोई और सुना नहीं। तो अगर आपको किसी पाकिस्तानी को कोई जोक सुनाना और आपको लगे कोई पाकिस्तानी परेशान बैठा और आप चाहते हो कि मैं उसे खुश करूँ, तो आप आम देकर उससे इतना पूछ ले, आम खाएगा आम बस। सो अगली स्टोरी में आपको खुद बता देगा। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसमें से कुछ नई चीजें जो हमें देखने को मिली हैं। और एक वो मेले वाली बात है यार, वो तो अस्टरिंग है सीरियसली, 7 करोड़ मतलब कुछ ऐसे मुल्क हैं जिनकी पॉपुलेशन में 7 करोड़ है, और ये बहुत ज्यादा बहुत बड़ी तादाद है, बहुत ही बड़ी तादाद। इवेंट क्या था वो नहीं मुझे पता, वो मेला था, मेला था कोई, और फिर भी यार 7 करोड़ लोग, कितने मुल्क होंगे दुनिया में। मेला नहीं बोला, मतलब मैं पहले समझता था कि जो सबसे बड़ी गैदरिंग्स होती है वो न्यू ईयर के इवेंट पे होती है डिफरेंट जगह पे, ठीक है, नहीं इतनी बड़ी, लेकिन ये बहुत बड़ी है। 7 करोड़ तो मुझे नहीं लगता, 7 करोड़ तो बहुत बड़ा फिगर, मतलब अगर सेकंड हाईएस्ट भी देखा जाए तो मुझे ये भी लाखों में चला जाएगा शायद। बिल्कुल, तो 7 करोड़ तो पता नहीं दुनिया के आधे मुल्क ऐसे होंगे जिनकी पॉपुलेशन भी 7 करोड़ ना हो, सीरियसली। हाँ मतलब नहीं बनता, वैसे भी अगर 14 साल के बाद कोई इवेंट आएगा तो वो इतना बड़े स्केल पर हो सकता है। सो व्हाट डू यू थिंक, कोई ऐसी चीज और कोई खास जो इसमें से रहेगी? काफी चीजें, काफी चीजें रहेंगी क्योंकि हमने पहले 35 सीजन देखी थी, वो सारी तो रही गई। हाँ मतलब वो 35 और ये 15 50 हो, हाँ ये 50 चीज़ें हो गई जिसमें से काफ़ी चीज़ें अभी भी रहती होंगी जो हमें नहीं पता होंगी। बिल्कुल। सो आप लोग बताएं कुछ और चीज़ जो आपके नज़दीक बड़ी फास्ट फैक्टर और हमारी उस वीडियो का स्टार्ट बहुत मजे का हुआ था, मतलब उन्होंने स्टार्ट ऐसे किया कि काफ़ी कुछ अचीव कर ली और काफ़ी कुछ प्रॉब्लम अभी भी हैं। तो ये सिनेरियो होता है हर कंट्री के साथ, यही होता है कि वो काफ़ी कुछ अचीव कर रहे थे और बहुत कुछ अचीव करना बाकी होता है। आपकी बारी स्टार्ट, आप कमेंट करके अपनी डिस्कशन कीजिए, अपना जो भी एनालिसिस दें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करें, ताकि हमें पता चले कैसी वीडियोस आपको पसंद आ रही है, कैसी वीडियोस पसंद नहीं आ रही है, और कोई वीडियो पसंद आएगी जो आपको अच्छी लगी हो, आपने देखी हो, आपको मज़ा आया हो, या आपको कुछ इंफॉर्मेटिव लगी हो, हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट में हमें बताएं, हम कोशिश करेंगे कि वीडियो ज़रूर देखें, और थोड़ी डिले हो सकती है क्योंकि हम अक्सर लेट हो जाते हैं, लेकिन हम रीज़न ये भी है, सजेशन बहुत ज़्यादा होती हैं तो हर किसी की सजेशन रन टाइम पर वो पूरी करना थोड़ा बहुत डिले आ सकता है हमें, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि पूरी जरूर दी जाए सजेशन। एग्जैक्टली। आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को रिंग करें, ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियोस हासिल कर सकें।
और अगर आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं, हम दोनों की आईडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। बिल्कुल, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम कुछ और वीडियोस के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।